चले भाई, आज हम देखेंगे इसके ऊपर किस तरह से, किस तरह की स्मार्ट वॉच वगैरह बना सकते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है ना। अकॉर्डिंग तो इसके अंदर हम इस तरह का जो वॉच है, यानी कि हैंड वॉच हो सकती है या वॉल क्लॉक हो सकती है, उसको आप इजीली इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन डिज़ाइन करने के लिए जो तरीक़ेकार है उसमें थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा कि किस तरह से की जा सकती है। कलर कॉम्बिनेशन बड़ा मैटर करता है इसके अंदर, टेक्स्ट का इंतखाब, फिर इसके ऊपर मैंने इसके दो वेरियंट बनाए, एक तो इसका ये वाला बनाया, दूसरा ये डायल बनाया इसका। ये देखें, इसको वॉल क्लॉक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, हमटी डमटी वाली वॉल क्लॉक के तौर पर इसके दो घंटियाँ ऊपर लगा देंगे तो अच्छी लगेगी। इस तरह से भी कर सकते हैं, बीच में अपना टैग भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, जैसे मैंने इसके अंदर एक टैग बना दिया, ये इस तरह का टैग भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें आप इस पर ईजीली कर सकते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं, बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा अगर आप टूल्स को समझते हुए यूज़ करेंगे तो इसमें इतनी कोई मुश्किल नहीं होने वाली, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि हम इसको राउंड में बना रहे हैं तो हम इसके लिए एक जो है सर्किल ले लेते हैं, ठीक है, जो इसका सेंटर पॉइंट होगा, उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करके पेस्ट इन प्लेस करके इसका डायल बना दें इस तरीके से, ठीक है। तो ये डायल इसका इस तरह से रहेगा अल्ट शिफ्ट के साथ, इसको राइट बटन दबा के सेंड टू बैक कर दें और फिर इन दोनों सर्किल्स को सेलेक्ट करके अंदर से खाली कर दें, ठीक है। अब ये इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अभी ये 100% का दिखा रहा है, डायल का साइज बिल्कुल सेट है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे हमें कुछ जो इसके अंदर नंबर्स टाइप करने होंगे तो उसके लिए प्रॉपरली फॉन्ट वगैरह यूज कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जाके हमने लिखा सपोज कभी 00 या फिर यहाँ पर लिखा हमने 01 या 1 लिख लेते हैं, खाली 1 लिखा हमने। इसके लिए प्रॉपरली फॉन्ट हमें जो चूज करना है यहाँ पे क्लिक करके, ऐसा फॉन्ट जो बाकायदा वॉल क्लॉक पे नंबर पे यूज हो रहा होता है, तो इस तरह का फॉन्ट हमें मिल जाएगा यहाँ पे आसानी से। चलो ये वाला फॉन्ट यूज कर लेते हैं, उसके बाद इसके साइजिंग करके अल्टर शिफ्ट का थोड़ा सा बड़ा कर लें और साथ में इसको उठा के इसके बीच में रखना है। रखने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इसको बेस बनाना है, क्लिक करके इसको सेंटर कर देना है। इस तरह से सेंटर में ये इसके आ जाएगा। अब सर्किल अपने सेंटर में, ये उसके सेंटर में आ चुका है, तो ये दोनों को देख लेते हैं, इसको बेस बना के इसको भी सेंटर कर लें। तो अभी सारे एक दूसरे के सेंटर में और ये बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन पर यहाँ पे मौजूद है। एक चीज़ और कर लें, इसको जब टेक्स्ट लिखें तो इसको सेंटर अलाइन कीजिएगा, लेफ्ट अलाइन नहीं कीजिएगा। अब सेंटर अलाइन करके फिर से दफा सेलेक्ट करके इसको बेस बनाया और इसको सेंटर कर दिया, अब सेट है। अब क्लिक करके यहाँ से आपने क्या करना है, रोटेशन पॉइंट लेना है और यहाँ पे क्लिक करके ऑल्टर के साथ इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करना है। 360 में आपने यहाँ पे ले लेने हैं, 360 में कोई 12 इसको डिवाइड करके कॉपी ले लेना है। तो यहाँ पे कंट्रोल डी दबा देना है, इस तरह से ये नंबर प्रोड्यूस हो जाएंगे इसके सारे के सारे। बाद में आपने करना ये है कि जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने 2 लिख देना है, यहाँ पे क्लिक करके 3 लिख देना है, यहाँ पे क्लिक करके 4 लिख देना है, यहाँ पे क्लिक करके 5 कर देना है, यहाँ पे क्लिक करके 6 कर देना है। थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, अंडू कर लेते हैं इसको दोबारा से। तो यहाँ पे क्लिक करके सेंटर पॉइंट लेके अल्टर शिफ्ट के साथ क्लिक करके 360 डिवाइडेड बाय 12 हमें इस पर यूनिट चाहिए, कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल डी। तो उसके बाद अब देखते हैं, जरा टू यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, 6 यहाँ होगा, ठीक है, 12 यहाँ होगा, 11 यहाँ होगा, 10 यहाँ होगा और 9 यहाँ होगा, ठीक है, 8 और यहाँ से आ जाएगा 7। तो इस तरह से ही आप इसको सेट करेंगे। वो वैसे 1 ले लिया था इस वजह से, तो बाकी तो सेट सही है। अब ये सेट 3 है, इसको शिफ्ट के साथ रोटेशन में सीधा कर दें, 6 को भी शिफ्ट के साथ रोटेशन में सीधा कर दें, पर ये 9 है, ठीक है, और इसको 6 को शिफ्ट के साथ रोटेशन में इस तरह से सीधा कर दें। तो ये क्या 4 वैसे सही पोजीशन में है, मुझे तो लग रहा है सही है, लेकिन ये 7 का ज़रा मसला है, तो इसको इस तरह से कर दें और जो 5 है इसको भी इस तरह से घुमा के शिफ्ट के साथ कर दें ताकि ये प्रॉपरली पोजिशन पर ऐसे नजर आए। बाकी 4 तो सही लग रहा है, लेकिन अगर आपको 4 में भी शक है तो यहाँ से उसको घुमा के इस तरह से या इस तरह से, ऐसे तो सही नहीं लग रहा, ऐसे कर दें, ठीक है, और इसको भी घुमा के फिर इस तरीके से ऐसे कर। तो ये देखिए, ये अच्छा सा पेयर इस तरह से बन जाएगा। अब जब ये ऐसा क्रिएट हो जाएगा
तो अब आपके इसके बनाने हैं जो अंदर के विंग्स होते हैं, यानी कि इसके हैंड्स जो है गाड़ी के, वो बनाने क्रिएट करने। तो उसमें डिफरेंट स्टाइल्स हैं। एक यूजुअली स्टाइल है जो ऊपर से इस तरह से आ रहा होता है, नीचे क्लिक कर रहा होता है, नीचे से थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा होती है, ऊपर से कम होता है। दूसरा देखें इसके विंग्स देखें किस तरह के बने हुए, ये थोड़ा सा इस तरह से पीछे से भी पतला है लेकिन बीच में से जाके थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। तो इस तरह के विंग्स बनाने के लिए आपको देखो यहाँ पे एक शेप लेना पड़ेगा, ये वाला शेप लेके क्लिक करेंगे यहाँ पे, इसको ऐसा कर दें इसको इस तरीके से। चलो ऐसे ही बना लेते हैं इसको, और यहाँ से रोटेट करके इसको इस तरह से ये हमने बना लिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि इसका जो थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा है इसको ऐसे खींच के थोड़ा सा लंबा कर देना। तो यहाँ से इसको ऐसे लंबा कर दें, ठीक है, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, और फिर पीछे से इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। जब ये इस तरह का डायमंड शेप बन रहा है, लेकिन इसमें ये वाले दोनों पॉइंट्स भी हमें इसके थोड़े से कम करने पड़ेंगे। तो ये वाला पॉइंट भी हमने थोड़ा सा कम कर दिया इसका, और ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा इसका कम कर दिया। अब बीच में थोड़ा सा चौड़ा है, इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह का विंग बनाना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी बैलेंस नहीं है, हमने इसको एक आइडियली मैंने इसको ऐसे कर दिया तो इस तरह से हो गया। अब इस तरह के विंग्स पे अगर आपको काम करना है तो फिर कि या तो इसको हम ऐसा कर दें कि ये जो नीचे जाके दो साइड्स हो रही है इसकी, ये पेन की तरह कह देते हैं इसकी, तो पेन ये बनेगा जब नीचे से इसके दो पॉइंट्स हमें यहाँ पे चाहिए। तो इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, डिलीट एंटर से, ठीक है, अब ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको खींच के लेकर आएंगे नीचे की तरफ, तो खुद ही ये ऊपर से इस तरह का होता चला जाएगा और इस तरह का एक का हैंड बन जाएगा। उसके बाद ऑल्टर के साथ इसको थोड़ा सा कम कर देंगे तो ये इस तरह का शेप निकल आएगा इसका, ठीक है। अब ये एक इसका विंग हमने बना दिया या इसको हैंड के लिए जो वॉच के, तो उसके बाद इसको क्लिक करके शिफ्ट के साथ इसको और छोटा कर लें, जितना छोटा हो गया इसके ऊपर और छोटा हो जाएगा ये, तो थोड़ा सा और जूम करें इसको शिफ्ट के साथ थोड़ा और छोटा कर लें यहाँ से, तो ये इस तरह का शेप इसके से निकल आएगा। अभी भी बड़ा है तो चलो थोड़ा सा और बड़ा है तो इसको शिफ्ट के साथ और छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे रख के देख लेते हैं कि अब ये छोटा वाला विंग सही बन गया है। अभी इससे बड़ा बनाना है और एक इससे बड़ा बनाना है, तो इसको इससे छोटा भी बनाना पड़ेगा। तो इससे एक छोटा बनाते हैं, ऑल्टर के साथ कॉपी लेते हैं, शिफ्ट के साथ उसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। एक इससे बड़ा बनाना है तो ऑल्टर के साथ उसको थोड़ा सा शिफ्ट के साथ उसको बड़ा नहीं करेंगे, उसको डायरेक्टली इसे खींच के बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए तीन साइज में हमारे पास निकल आए, एक बड़ा, उससे छोटा और उससे छोटा, तीनों को सिलेक्ट करके हम वेज करेंगे और यहाँ पे जाकर प्लस पे क्लिक कर लेंगे। तो ये बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, तीनों निकला। इसको अगर और बारीक करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, ये इसका जो एंगल है ऑल्टर के साथ इसको और बारीक करना चाहें तो इसे कर दें, तो फिर ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, लेकिन ये कुछ खास नहीं लग रहा। लेकिन इनके साथ ये पतला ही होता है क्योंकि ये थोड़े मोटे होते हैं और ये थोड़ा पतला होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, सर्किल का ये सेंटर सेलेक्ट करना है और तीनों को शेप के साथ ऐसे सेलेक्ट करना है और इसको बनाना है बेस इसका, सेंटर कर देना है। अब तीनों को इस तरह सेंटर करेंगे तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो इसके ऊपर आ जाएंगे इस तरीके से। अभी सिलेक्शन बना रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर लें इस तरीके से, और देखिए इनके डिस्टेंस को इस तरह से एक जैसा रख के ऐसा रख लें, ठीक है। अब इसमें से घुमा दें इसको, जैसे कि अब इसमें पता नहीं चलेगा बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, चलें फिर से एक एक करके ले आएंगे, एक उठा लेते हैं, दूसरा उठा लेते हैं। अभी ये बड़ा वाला एयर है जिसको हम कहते हैं कि ये बताता है हमें मिनट्स का, तो मिनट्स वाला जो है वो थोड़ा सा इतना ऊपर रहेगा और ये इस तरह से दिखाई देगा। तो इसको एक पोजीशन पे सेट करने के लिए हमें क्या करना है, क्लिक करा हमने यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके ये रोटेशन पॉइंट लिया, इस सर्किल का सेंटर पॉइंट लिया ऑल्टर के साथ, बस यहाँ पे सेट किया इसको और इसको मूव करके हमने यहाँ पे इस तरह से सेट कर दिया, ठीक है, इधर आ गया। अब दूसरा वाला जो है इसी तरह से हमने लाइन तो सेट ही रख रखी है, तो इसको पकड़ के शिफ्ट के साथ दोबारा इधर ही लिया इस पोजिशन पे सेंटर पॉइंट पे। अगर आपको सेंटर में लाने में मुश्किल होती है तो क्लिक करके शिफ्ट के साथ उसको क्लिक कर दें, सेंटर कर दें, ऑलरेडी सेंटर में ही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा रखना है तो ये, अच्छा ये साइज तो है उसी के, तो ये इसी तरीके से उसके साथ ही रहेगा, थोड़ा सा इसे कर लेते हैं और ये नीचे रहेगा, क्लिक करके रोटेशन पॉइंट पे क्लिक करके सर्किल का यहाँ रखेंगे और ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे रख के इसको यहाँ से ऐसे करके इस साइड पे हमने घुमा दिया, ठीक है, ये इधर घूम गया, सही है, सही लग रहा है, ठीक है। अब तीसरा वाला जो है यहाँ से क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लेंगे और रोटेशन पॉइंट छोड़ के इसको क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करेंगे, इसको बेस बनाएंगे
और यहाँ से सेंटर कर देंगे। और ये दूसरा वाला जो है, अब आप इस पर क्लिक करके ये बिल्कुल परफेक्ट, इस पर क्लिक करके रोटेशन करके इसका सर्कल लेके यहाँ पे इसके यहाँ पे रखना है और अल्टर के साथ इस पर क्लिक कर देना है। तो ये इस तरह से घूम गया। अब बस अल्टर के साथ क्या घूम कर खुद ही घुमा देते हैं इसको रोटेशन में, ये दो रख देते हैं। ठीक है, तो ये देखें इसका ये निकल आया पूरा का पूरा मामला। ठीक है, अगर फिर भी आपको लगता है कि ये वाला हमारा थोड़ा छोटा रह गया है, ये बड़ा होना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, अभी भी रोटेशन पॉइंट लेके आपको बाद में भी सर्कल का सेंटर निकालें, यहाँ से इसको ये इसका सेंटर है इसको पकड़े यहाँ से इसे सीधा कर लें। सीधा रखने के बाद इसकी जो क्लिक करेंगे यहाँ पे जो उसकी डायरेक्शन है चले एक दफा ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये दोनों तीनों चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं, अब इसको हमें इसके ऊपर कुछ अप्लाई करना है डिज़ाइंस और इसका डायल थोड़ा बड़ा करना है। तो पहले हम डिज़ाइन सप्लाई करने से पहले इसका कलर कॉम्बिनेशन चूज़ कर लेते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट यू पेस्ट इन प्लेस किया, ऑल्टर शिफ्ट किया, इसके डायल का एक आउटर हमने बनाया और उस पर अब हमें कुछ कलर्स अप्लाई कर दें। अब यूजुअली वॉच के जो कलर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उसमें हम कुछ ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो यहाँ पर चले जाते हैं हम कहाँ पर, यहाँ पर स्विचेस के अंदर, और यहाँ पर हमें मिल जाएंगे कुछ ग्रेडियंट्स और यहाँ पर मिल जाते हैं कुछ ब्राइट ग्रेडियंट्स, और यहाँ पर क्लिक करके तो खोल लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ग्रेडियंट मिल रहे हैं, तो देखते हैं कि कौन सा ग्रेडियंट कहाँ पे कैसा लगता है। जैसे कि अगर तो ग्राउंड में डालें तो इस तरह का बनेगा, राइट बटन दबा के इसको सेंड टू बैक कर देते हैं तो ये आगे से ऐसा दिखाई देगा। तो अगर उसके बाद ये अगर ग्राउंड में था तो अंदर वाला डायल किस पर डालें, तो चले अंदर वाला डायल इसको ट्राई करते हैं, इसमें डाल के देखते हैं। ऐसी वॉच होती नहीं है, ये कुछ सही लग रहा है। ठीक है, अब इसमें जो शेड्स आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं, इन शेड्स को हम इस तरह से अप्लाई करके देखते हैं, सही लग रहा है। तो इस तरह का इफेक्ट आप इस पर डाल सकते हैं। अब इसी तरीके से इसी इम्पैक्ट को भी अंदर पे डालने के लिए इसी इसको इस तरीके से ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि बाहर भी इम्पैक्ट ऐसा ही दिखाई दे। उसके बाद सेलेक्ट करके इसको यहाँ से इसकी आउटलाइंस को गायब कर देंगे। ठीक है, सही लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह का मामला बन जाएगा। अब थोड़ा सा शेड दिखाने के लिए बाहर वाले को ऑब्जेक्ट पर जाके यहाँ से स्टाइलाइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे ड्रॉप आउटर ग्लो, आउटर ग्लो करके वही कल वाली टेक्निक हम थोड़ी सी लगाएंगे और इसको नॉर्मल स्क्रीन पर रखेंगे। ये देखिए और अच्छा लगने लग जाएगा, सही। और इसी तरह से अगर यही टेक्निक आप अंदर वाले पे लगाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, स्टाइलाइज पर जाएंगे और यही वाला ड्रॉप आउटर ग्लो जो है वो आप इस पर लगाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस पर भी ये टेक्निक काफ़ी काम करेगी। इस तरह से थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा बन जाएगा। अब आते हैं ये अंदर की तरफ, जब आप इसको थोड़ा सा देख रहे होते हैं तो अब ये जो अंदर के जो ये वाले मामला थे ये किस तरह से आप इसको डील करेंगे। चाहे तो इस पॉइंट को थोड़ा छोटा करते हैं, अगर ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो इसको हम अल्टर शिफ्ट की मदद से इसे छोटा भी कर सकते हैं ताकि ये पॉइंट छोटा नजर आए। अब अंदर की चीज़ों को किस तरह से डील करना है इसको देखते हैं। इसका आउटलाइन हम रिमूव कर देते हैं और इसको क्लिक करके ग्रेडियंट को भी थोड़ा साथ साथ फोकस करते रहते हैं। अगर हम इसको रेडियल पे लगाते हैं तो कैसा लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर रेडियल पे ये वाला लगाएं और इसको रेडियल कर दें तो ये ऐसा लगेगा। अब चूंकि ये इसके पीछे है तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे, एक पीछे रहेगा एक आगे आएगा, ऑल्टर शिफ्ट के साथ उसको थोड़ा सा कम करेंगे और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। पिन पॉइंट आपका इस तरह से बनना चाहिए, सही लग रहा है। अगर इस पर भी कोई चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमने ब्लू इम्पैक्ट डाला था तो ये ब्लू का इम्पैक्ट वही अच्छा लग रहा था तो हम वही लगा देते हैं इसके ऊपर, ये पिन पॉइंट के ऊपर ऐसा लगा देते हैं। अब आते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर जो कलर कॉम्बिनेशन है कि यार ये सही लग रहा है या इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो वैसे तो इसके ऊपर ये उठ रहा है कलर, लेकिन अगर कोई और कलर आपको जहन में आता है कि हम टेक्स्ट पर लगा सकते हैं तो पहले टेक्स्ट को शिफ्ट के साथ ऐसे सेलेक्ट कर लें। कोई भी चीज़ अप्लाई करने से पहले, टेक्स्ट को यूज करने से पहले और यूज करने के बाद आप इन पे अप्लाई करेंगे ग्रेडियंट, तो डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं होंगे ग्रेडियंट्स क्योंकि ये टेक्स्ट है, इनको बस एक्सपेंड कर दें
और इनको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, अब आप इस पर जब भी कोई इम्पैक्ट लगाएंगे तो प्रॉपरली इस पर दिखाई देगा। यही सही लग रहा है? ये देखे, ओके चलो दूसरा देखते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट्स ब्लैक लगा दे, स्ट्रोक लगाओ। ये वाला सही है, ओके। फिर थोड़ा सा जाके इफेक्ट्स में स्टेलाइज पे क्लिक करेंगे, और स्टेलाइज में क्लिक करके यहाँ से लेंगे आउटर ग्लो, और इस दफ़ा थोड़ा सा प्रीव्यू करेंगे, और इसका प्रीव्यू करके ब्लर कम करेंगे। जीरो पॉइंट फाइव करके देखते हैं। बहुत अजीब गरीब लग रहा है, अंडू कर रहा है। नहीं वो इस पर सही तरह लग नहीं रहा, क्योंकि वो ठीक है। अब इसी को इसी तरह से लेके चलते हैं आगे आगे देखें, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे इसके जो हैंड्स हैं वो किस कलर के होने चाहिए? ये वाला जो हैंड है इसको हम रेड कलर लगा के देखते हैं, ठीक है। और इस तरह से अप्लाई हो रहा है। इसका डार्क वर्जन भी है हमारे पास, अगर हम इसका डार्क वर्जन अप्लाई करना चाहें ये वाला, ठीक है। ये वाला चलेगी, उसको आफ्टर इफेक्ट में ले जाके चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको साइलेंट, ठीक है। अब उसके बाद ये वाले जो इसके हैंड्स हैं इसको हम यूज करते हैं। साइलेंट हो जाए, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमने कोई इसको सेट कर दिया। अच्छा इसमें जो अभी बाहर वाले को हमने आउटर ग्लो दिया है ना, अंदर वाले विंडोज में जाके अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ पे जाके हमने आउटर ग्लो को थोड़ा कम करना है, बहुत ज्यादा क्लियर है।
इतना काफी। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा बन गया अंदर का डाइल। अच्छा, अब क्या करना है इसके बाद, जब हमने ये बना लिया तो अब इसके बनाने हमें बेल्ट बनाना है, तो साइड्स में लगा लेते हैं इसके बेल्ट। तो अब इसका हमें बनाना है, इसका कुछ किस तरह का हैंडल इसके बीच में से बना के लाना है, तो इसको लेंगे यहाँ से, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं और अल्टर के साथ इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम रख के सिलेक्ट कर लेते हैं एक, शेप बिल्डर रख के काट दिया मैंने उसको। पहले सर्कल पे क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, बेस करेंगे, इसको बेस बनाएंगे, सेंटर आ गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको पकड़ के इसके, हाँ वेरी गुड, सही है। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके रोटेशन लेंगे इसका, रिफ्लेक्शन सेंटर पॉइंट से। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको अल्टर के साथ थोड़ा पतला करेंगे। वो तो खैर साइड में लगेगी।
ठीक है, ये इस तरह का बन गया इसके अंदर डिजाइन। अच्छा आप क्या, नहीं सही है ना, एक साइड बड़ा और एक साइड छोटा। अब इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस एंकर को लिख करके 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ठीक है। सही है ना, सही है। Thank you.
बस व्हाइट ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरह से बन गया। अब इसका बैकग्राउंड लगा दें। इसमें वैसे हम एक इफेक्ट और भी लगा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से दिखाना चाह रहे हैं। ये देखें एक इफेक्ट बताता हूँ मैं। देखो और इसको भी ले लो। देखो ना हल्के से इंपैक्ट डालने से ये देखिए ठीक है ना। मतलब अब ये बकायदा प्रॉपर्ली ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रियलिस्टिक थोड़ी सी रखी हुई है। हल्के से इम्पैक्ट के साथ ये ऐसा नजर आएगा।
ठीक है ना, ऐसे बना के आप इसको खा सकते हैं। तो ये ओके, इस तरह से पूरी आप जो है वॉच इस पर डिजाइन करके और जा सकते हैं। नहीं, जब इस साइड में पत्ते हैं, इस साइड में 12 और 9